हाँ तो गाइज आप लोग देख रहे हैं यह ठंड का कैसे कोहरा छाया हुआ है यहाँ पर। देखिए 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 उधर चारों हर तरफ कोहरा है, सूरज भी नहीं निकला है दोस्तों। सो गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन बच्चे हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। काफी ठंड में भी इनका जोश काफी जबरदस्त है दोस्तों। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज हम जाएंगे झारसुगुड़ा के ओर और आपने देखा आज ठंड के मौसम में कैसे सुबह सुबह रहता है उसका नज़ारा आपने देख ही लिया। तो गाइज आज हम चलते हैं अपने फ्रेंड के पास और उसका एक काम है तो काम को आज निपटाएंगे। और दोस्तों आज है झारसुगुड़ा में स्ट्राइक बोला जा रहा है, देखते हैं क्या होता है टाउन जाकर। तो फिलहाल तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर आ चुका हूं, आप देख रहे होंगे। तो गाइज उसका बाइक में जाएंगे और मेरा साइकिल यहीं पर रख लेता हूं। तो ये रहा मेरा साइकिल और वो बाइक निकल रहा है, वो उसका काम है नया सिलेंडर लाने के लिए, तो वो ख़त्म हो गया है। तो गाइज अभी हम निकलते हैं और देखते हैं झारसुगुड़ा में कैसा हाल है। स्ट्राइक बोला तो जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाइक भी रेडी हो चुका है और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम फ्रेंड के साथ निकल चुके हैं, सुबह का 10 बजा है और झारसुगुड़ा का माहौल कैसा होगा देखते हैं क्या होता है। और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, फिलहाल तो ये चौकी बड़ा का नज़ारा है। तो गाइज यूँ तो बहुत सारे बाइक वगैरह दिखाई दे रहा है हमें टाउन पहुँचते ही, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कई सारे दुकान वगैरह बंद ही दिखाई दे रहे हैं गली में। तो अभी हम झंडा चौक पहुंच चुके हैं, झंडा चौक का नज़ारा कुछ देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे दुकान वगैरह खुला हुआ है टाउन में और ज़्यादातर जो साइड जो दुकान छोटे छोटे कुछ समय के लिए लगता है वो सब उतना देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। आप भी देखिए और काफ़ी सारे दुकान यहाँ पर खुला है आज दोस्तों। और ज़्यादातर हमें घर पर भी मना किया जाता है कि स्ट्राइक में ना जाएं, क्योंकि ना ही जाएं तो बहुत ही बेटर है क्योंकि काफ़ी सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो हम भी देखें आज क्या होता है और उसका कुछ नज़ारा आपको भी दिखाने के लिए। तो गाइस ज़्यादातर टाउन में आज काफ़ी सारी दुकान बंद था, 1-2 या 10-15 बजे छोड़कर सारे दुकान खुला ही था दोस्तों। और झारसुगुड़ा में यूँ तो बहुत सारे दुकान है दोस्तों, इतना सारे दुकान है कि कहाँ पर खरीदें कहाँ पर नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे दुकान वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो और जो शॉपिंग हॉल वगैरह आप देख रहे होंगे ये भी 1-2 को छोड़कर सारे दुकान खुला था दोस्तों आज। और देखते हैं आगे बढ़ते हैं और सिलेंडर जो हमारे फ्रेंड्स का जो लेकर जा रहे हैं वो सिलेंडर का दुकान जाएंगे, कहाँ पर मिलता है वो सरवाल तरफ है। तो अभी मैं विशाल के सामने रोड पर जा रहा हूं दोस्तों फ्रेंड के साथ। तो गाइस थैंक यू सो मच जो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो वगैरह देख रहे हो, और आप भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए, हम कोशिश करेंगे आपका वीडियो भी लाने के लिए। तो अभी हम सरवाल की ओर पहुंचते हैं और आपको और कुछ नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइज सरबहाल में भी ज़्यादातर लोग बाहर ही देखने के लिए हमें मिला और काफ़ी सारे दुकान वगैरह खुला था। और जो बाज़ार जो लगता है रेलवे गेट के सामने वहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने के लिए हमें नहीं मिला। तो ये रहा रेलवे फाटक जो आप देख रहे होंगे, तो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग साग सब्जी ये सब वगैरह हर रोज लगाते हैं रोड के साइड पर यहाँ पर पूरा खाली दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। सो गाइज हम अपना काम सारे फिनिश कर लिए, अभी हम घर की ओर निकलेंगे। यहाँ पर जो सिलेंडर लेना था हम
सब रेडी कर चुके हैं लेने के लिए। तो अभी हम घर के अब निकलते हैं। और अभी आप जो देख रहे हो ये बाईपास का नज़ारा है, संबलपुर बाईपास जो झारसुगुड़ा से निकला है। और यहाँ पर ज़्यादातर हमें गाड़ी वगैरह बंद ही दिखाई दिया दोस्तों। और टाउन में सारे ज़्यादातर सब गाड़ी चल रहे थे, बस वगैरह भी उतना दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पर ये बाईपास रोड पर ही काफ़ी सारे गाड़ी साइड में खड़े हुए देखने के लिए मिला। तो ये रहा झारसुगुड़ा का कुछ नज़ारा आज का जो स्ट्राइक जो बोला गया था। तो ये सब नज़ारा हमें देखने के लिए मिला, आप भी देख लीजिए एक बार। यूँ तो स्ट्राइक में काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो गाइस कोशिश करना चाहिए हर किसी का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो। सो गाइस इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।